My name is Ajay Singh and you are watching Seva Learning. So I think पूरे इंडिया के हर एक स्टेट के बच्चों का एक ही टारगेट होता है और वो है कर्नाटक रीजन, क्योंकि कर्नाटक रीजन का फीस कम होता है और इस पर डीम्ड में 2-2 लाख रुपए वो इस मतलब टोकन मनी ले लिया गया, इसलिए बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास के लोग थे जिनका 520, 510, 530 मार्क्स थे वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। इसलिए पूरे इंडिया का अभी फोकस है सारे लोगों का कि वो सारे लोग एक ही जगह फोकस कर रहे हैं इन कर्नाटका। तो राउंड वन में बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे या भूल गए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी राउंड टू का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो राउंड टू का रजिस्ट्रेशन हो रहा, आप वहाँ से राउंड टू का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं अभी सिंपली बैठा था, रूम में ही हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो बना दिया। सो राउंड टू और मॉपअप राउंड दोनों की डेट आ गई है, पर वो एक्चुअल डेट नहीं है, वो बल्कि अप्रॉक्स डेट है। तो अप्रॉक्स डेट चेंज भी हो सकता है। आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि कर्नाटका की डेट चेंज ही होती है, ठीक है, तो डेट चेंज हो सकता है, पर एक अप्रॉक्स डेट आ गया है जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर डेट बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। इट्स लाइक सम आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, सम आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब जो टेक्निकल वीडियोज वगैरह उस पर डाले जाते हैं वो मैं डालता हूँ, वो मैं नहीं करता हूँ। वो एक्चुअली क्या है, अदर पीपल्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो टेक्निकल वीडियोज़ या फिर न्यूज़ वगैरह डालते हैं। मैं केवल एक एडवाइज़र हूँ, तो मैं केवल अपना काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाला तो उस पर कमेंट आ गया कि और सर आप मेडिकल एडवाइज़र हैं तो ये वीडियो कैसे डाल दे रहे हैं। तो वो तो सही है, तो वही मैं सोचा कि आप लोग से बता दूँ। So see, the online registration is going to start from the 4 PM 15 July 4 PM से start होगा और 16 July 5:30 PM तक आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा, ओके। उसके बाद लास्ट डे टू पे द फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है फी पे करने का वो है 17 को और 5:30 PM तक है। डिस्प्ले ऑफ सीरियल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, और जो लिस्ट आएगा वो आपको 17 को आफ्टर 6:30 PM आ जाएगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन योर सीरियल नंबर इट्स 18 to 20 18 July से लेके 20 July तक आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ मैट्रिक्स इज July 24 ऑप्शन एंट्री बाई न्यूली रजिस्टर्ड एंड वेरीफाई कैंडिडेट by 5:30 PM on 24 to 25 5:30 PM, okay, and publication of mock allotment result it is going on, it will be handled on 27 July after the 4 PM, and here you can change the option entry also on July 28, and the payment of fees if not paid and downloading the admission order, अगर आपने फीस पे नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, 30 July को भी 30 July से लेके August 2 तक आप अपने फीस को पे करके फिर से एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ओके। लास्ट डेज फॉर रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके लिए लास्ट डेट है 03/08/2018 बिफोर 4 PM, मतलब आपको 4 बजे से पहले 3 अगस्त को हर कॉलेज पे जिसको जो कॉलेज मिला है वहाँ पहुँच जाना है, ओके। अदर थिंग्स, आपकी जो मॉपअप राउंड है उसकी अप्रॉक्स डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द July 24 to July 29, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 4 PM टू 5:30 PM, ओके। लास्ट डेज टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस इज July 30, वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन August 2, डाउनलोडिंग ऑफ एंट्री पास August 4,
ऑफलाइन काउंसलिंग 7, 8, 9 अगस्त को ये आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ओके, मॉपअप राउंड की। और लास्ट डेट फॉर द रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 12/08, मतलब 12 अगस्त को है। फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ मैरिट इक्वलिंग इन द 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी मेडिकल कॉलेज बाई द काउंसलिंग अथॉरिटी 13/08। एंड लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 18 अगस्त। 18 अगस्त आपका लास्ट डेट है जो लोग मॉपअप के लिए जाएंगे। सो अभी देखिए, रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की चल रही है, वहाँ का भी कर सकते हैं। उसके बाद कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला, वो कर सकते हैं। उत्तराखंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है 1 से 2 दिन में, वहाँ भी कर सकते हैं। प्लस और कहाँ के, एमपी की भी शुरू होने वाली है राउंड 2। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए कि वेबसाइट को, हर एक स्टेट की रेस्पेक्टिव वेबसाइट जो है उसको दिन में 1-2 बार विजिट किया करिए, वहाँ का नोटिफिकेशन चेक कर लिया करिए, एटलीस्ट वहाँ पे जहाँ आप रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है। रिमेनिंग अदर थिंग्स मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि डिप्रेस्ड मत होइए। आई थिंक सबके माता पिता या पेरेंट्स हैं जो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन मत होइए। लास्ट राउंड तक, मॉपअप तक पेशेंस रखिए और ट्राई करिए। और बाई बैड लक अगर नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की लाइफ चली जाएगी या वो या आप लोग परेशान हो जाइए, नो। सिंपली मॉपअप तक ट्राई करिए, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो एक्सेल ड्रॉप करा दीजिए। ड्रॉप करने का ऑप्शन तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ आप डिप्रेशन में चले जाइए या फिर कुछ गलत कर लीजिए या फिर जो गलत एजेंट हैं उनको पैसा दे दीजिए, वो लेके भाग जाएं। तो इस टाइप की बातें, लाइफ में कभी हारना नहीं चाहिए। इट्स लाइक ज़िंदगी हमेशा जीतने के लिए होती है। तो अगर आपको अभी कोई निगेटिव फीलिंग आती है तो उसके बारे में कुछ अलग वे में पॉजिटिव सोचिए। लाइक सपोज अगर आप सोचते हैं कि अभी आपको MBBS अच्छी जगह नहीं मिली या नहीं मिली, तो आप सोचिए चलिए ठीक है, हमको BMS मिलेगा, उसमें मैं फर्दर खूब अच्छा करूँगा, या फिर उसमें आगे जो भी MS वगैरह होता है उसमें और मैं अच्छा कर दूँगा, या फिर जो मास्टर डिग्री होती है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे के अच्छे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेटल्ड हो जाऊँगा। इस टाइप की बातें हैं। और BMS और BHMS इन दोनों का भी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आप MBBS करेंगे तभी एक 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 सफल बंदे कहलाएंगे। और बहुत सारे वो लोग हैं जो कि रेजोनेंस कोटा और LN वगैरह से तैयारी करते हैं, उनका तो केवल एक ही ड्रीम होता है, क्योंकि मैं भी तैयारी किया हूँ, उनका केवल एक ही ड्रीम होता है कि वो केवल MBBS करेंगे, वो भी अच्छे जगह से करेंगे। तो है, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना एक अडिग होता है, जज्बा होता है, उस हिसाब से तैयारी करिए। और जिसको मतलब जिसका भी फर्स्ट राउंड था और उनका 400 मार्क्स आया है, बजट कम है, तो ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करके अपने अंदर कैपेसिटी लाइए, हिम्मत लाइए और नेक्स्ट राउंड में लाइए 500-600 मार्क्स। खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत के आगे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको झुका सके, ठीक है। तो ये जो भी डेट्स वगैरह था ये मैं आपको नीचे लिंक में डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ये डेट्स वगैरह देख सकते हैं, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर, ओके, थैंक यू। So let's see about the Karnataka round 2 and mop-up round registration and option entry. Okay, so you can visit www.satterline.karnataka.gov.in, okay, and then you have to click on notification. From notification you will get your UGNEET, okay, and tentative schedule for second round and mop-up round. There you have to click this. After clicking you will get the data here, see, 15 July to 16 July, 17, 18, and then display upset matrix on 24 July. And for mop-up round, it is going to start from the 24 July to 29 July. Okay, online registration, last date of the payment fees 30 year. Document verification August 2, okay.
सेम वे यू कैन सी फॉर द राउंड टू। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।